बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा चुनावों में खूब चला था और भाजपा इसी का सहारा लेकर सत्ता में भी आई थी। लेकिन अब वही भाजपा सरकार देश की जनता पर महंगाई से प्रहार कर रही है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने के सामान में वृद्धि कर महंगाई से जनता की कमर तोड़ती है। कोरोना की मार झेल रही जनता पर ये मोदी सरकार का दोहरा प्रहार है। आपको बता दें, पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजें महंगी होने से देश में रिटेल महंगाई 6 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक मई में रिटेल महंगाई 6.3% रही, जो कि अप्रैल महीने में 4.23% पर थी। मई में महंगाई दर का आंकड़ा रिजर्व बैंक के दायरे से भी बाहर निकल गया, जो कि 2 से 6% के बीच है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा महंगा ऑयल हुआ है, ये महीने भर में करीब 31% महंगा हुआ है। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी मई में 10.83% महंगे हुए हैं। प्याज के दाम 23.24% बढ़े हैं। इसी तरह अंडे और सॉफ्ट ड्रिंक्स की कीमतें 15-15% बढ़ी हैं। अन्य और भी जरूरी चीजों में महंगाई देखने को मिली है। कोरोना की मार झेल रहे आम लोगों को कोई राहत देने की बजाय भाजपा सरकार पेट्रोल, डीजल पर भारी टैक्स के जरिए लूटने पर आमादा है। एक तरफ कोरोना संकट से बहुत से लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, वहीं काम धंधा चौपट होने के कागार पर है। ऐसे में महंगाई बढ़ने से आमजन बुरी तरह से परेशान है और सरकार केवल अपना ही मुनाफा देख रही है।